खबर रीवा से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर का समापन किया। इस शिविर में दिव्यांगों को 730 कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए हैं। देवतालाब सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में 3 दिवसीय स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी स्मृति दिव्यांग शिवर का आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने समापन किया। उन्होंने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण बांटे तथा ट्राई साइकिल प्रदान कर दिव्यांगों को उनके घरों के लिए रवाना किया। जिला प्रशासन, जिला रेडक्रॉस समिति, श्री भगवान महावीर सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिविर में दिव्यांगों को 730 कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण बांटे गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि आज दिव्यांगों के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर मुझे संतोष हुआ तथा मेरे मन में ये भाव आए कि मैं दिव्यांगों की सेवा में आंशिक तौर पर सफल हो सका। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि जिले में दिव्यांगों को उनकी जरूरत के हिसाब से कृत्रिम अंग व उपकरण प्राप्त हो। आने वाले समय में पुनः कैंप लगाकर शेष बचे हुए दिव्यांगों को भी लाभ दिया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि जिले का कोई भी दिव्यांग कृत्रिम अंग या उपकरण पाने से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा है कि कॉलेज जाने वाले और शासकीय काम करने वाले अन्य संस्थानों में काम करने वाले दिव्यांगों को मोटराइज्ड साइकिल दिलाई जाएगी ताकि उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके और उनका समय भी बचाया जा सके। श्री गौतम ने कहा है कि शासन का प्रयास है कि दिव्यांगों की राह आसान हो, उनके मन में जो कुंठा है वो दूर हो और निराश ना हो। उन्होंने दिव्यांगजनों से कहा है कि आप अपने आत्मबल को मजबूत रखें। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कलेक्टर मनोज पुष्प के प्रयासों से महावीर सेवा संस्थान के द्वारा रीवा में स्थायी तौर पर केंद्र स्थापित किया जाएगा जो रीवा एवं आसपास के जिलों के लिए एक वरदान साबित होगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने महावीर सेवा ट्रस्ट के सदस्यों का सम्मान किया। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने बताया कि 3 दिवसीय शिविर में 47 आर्टिफिशियल लिम्ब, 93 कैलिपर, 181 हैंड पैडल ट्राईसाइकिल, 88 व्हील चेयर, 56 क्रचेस, 218 हियरिंग एड तथा 42 अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। समापन के अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, SDM AP द्विवेदी, सुरेंद्र सिंह चंदेल, हेमत उर्मलिया, पुष्पेंद्र गौतम सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जन और दिव्यांग जन और उनके परिवार के लोग भी उपस्थित रहे। श्री महावीर सेवा संस्थान के सुपरवाइजर गोविंद नारायण शर्मा ने बताया कि शिविर स्थल में ही जयपुर फुट बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से नाप ली गई और 1 से 1.5 घंटे के समय में कृत्रिम पैर तैयार हो जाता है। उनकी टीम के 13 सदस्यीय दल ने दिव्यांगों को कृत्रिम पैर के साथ कैलिपर, हियरिंग एड और अन्य सहायक उपकरण प्रदान कराने का काम किया है।